ओके, इकोनॉमिक डिफरेंसेस इसका एक कोज है, ओके, कि जो अपनी डाइवर्सिटी दिखाई देती है उसमें एक इकोनॉमिक। नेक्स्ट अपना सोशल डिफरेंसेस है, कास्ट एंड जेंडर बायस के अकॉर्डिंग, ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट अपने इसमें पॉइंट था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि विभिन्नता में अपने यहाँ पर क्या है, एकता है, डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्न, विभिन्नता, वेरियस या डिफरेंट वेराइटीज, ये सभी आती है अपने डाइवर्सिटी में। अब देखो इतनी डाइवर्सिटी है, ये हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी अपने कंट्री में क्या है, यूनिटी दिखाई देती है, ओके, कि हम सब क्या है, इंडियन है, सब मिलजुल के रहते हैं, इतने सारे कल्चर है, इतने सारे रिलीजन है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट उनके कस्टम है, इतनी डाइवर्सिटीज दिखाई देती है, डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, फिर भी अपने देश में क्या है, एक यूनिटी है। सॉरी, कि अपन कहते हैं कि हम सब क्या है, इंडियन है, ओके। और इसमें राइज इन मिक्स्ड इन्फ्लुएंस हमने क्लियर कर लिया, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेनर्स ये भी हमने क्लियर कर लिया, कि जो विदेशी इंडिया में आए थे, चाहे वो स्टूडेंट हो या इन्वेडर्स हो, ओके, ये जो आए तो इनसे भी अपने यहाँ पर कल्चर में काफी डिफरेंसेस हुए, काफी मिक्सअप हो गए, तो इस तरह से अपनी डाइवर्सिटी बहुत दिखाई देती है। आज जो अपने न्यू टॉपिक है वो है फ्रीडम स्ट्रगल, ओके। अब देखिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में एक पॉइंट आता है अपने फ्रीडम स्ट्रगल। अब फ्रीडम स्ट्रगल इसमें कैसे रेस्पॉन्सिबल है ये हम देखते हैं, ओके। जैसा कि आपको पता है कि जब इंडिया की जो फर्स्ट रिवोल्यूशन हुई थी वो कब हुई थी, बताइए इंडिया की फर्स्ट रिवोल्यूशन कब हुई थी, ये मैं आंसर, फर्स्ट रिवोल्यूशन फॉर फ्रीडम, श्रीयान चेतन, रितिका, भारत की जो, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, वेरी गुड मनीष, 1857 में, ओके, कब स्टार्ट हुआ था, 1857 में, उसके बाद में 1857 के भी बाद में भी बहुत सारे हुए, बट जो स्टार्टिंग है वो 1857 में हुई थी, ओके, 1857। तो उसमें आपने देखा होगा कि हिंदू एंड मुस्लिम, ओके, इन्होंने सबने ही मिलकर अपने देश को आजाद कराने के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, स्ट्रगल किया था। तो उसमें क्या, हिंदू एंड मुस्लिम तो मेन थे, बाकी अदर जो रिलीजन थे उनका भी इसमें पूरा कोऑपरेट था, पूरा कंट्रीब्यूशन था, पूरा उन्होंने साथ दिया। तो जब सब मिलके एक साथ आए, उन्होंने देश को आजाद कराना चाहा, तो उनमें एक यूनिटी की भावना दिखाई दी, ओके, कि वो आपस में उनके क्या कस्टम्स है, क्या उनके रिलीजन है, क्या उनके ट्रेडिशन है, इन सबको उन्होंने भूलकर एक साथ मिलकर उन्होंने स्ट्रगल किया, और वो स्ट्रगल कंटिन्यू चला 1947 तक, ओके, और उसके बाद में हमें आजादी प्राप्त हुई। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल था जिसमें क्या था, विभिन्नता में हम एकता दिखाई दी, यानी कि जो यूनिटी दिखाई दी हमें डाइवर्सिटी के अंदर, ओके। तो अब हम देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है इसमें, ओके, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पेज नंबर 207, पेज नंबर 207 निकाल लिया आपने, उसमें देखिए फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का। इनफैक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द वन हु गेव द स्लोगन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है, कि जो यूनिटी में हमें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की विभिन्नता में एकता, तो ये स्लोगन किसने दिया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, कि अपने देश में बहुत सारी विभिन्नता है, डिफरेंट कास्ट के, रिलीजन के और कस्टम्स के लोग यहाँ पर रहते हैं, फिर भी उनमें एकता दिखाई देती है और वो सब मिलकर देश को आजाद कराना चाहते हैं, ओके। यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच डिस्क्राइब्स इंडिया मोस्ट ब्यूटीफुल और नेशनल, और इन्होंने भारत को बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री बताया, क्योंकि इसमें डिफरेंट कल्चर के इनके लोग यहाँ पर रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं। आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर आर ऑल सिंबल्स ऑफ द यूनिटी, कि ये जो सिंबल्स अपने नेशनल सिंबल्स है, जैसे नेशनल फ्लैग हो गया, राष्ट्रीय ध्वज है, तो ये क्या है, अपना जो तिरंगा है, ट्राइकलर का है, नेशनल फ्लैग है, ये सभी के लिए मान्य है, सब पूरे इंडियंस में, चाहे कोई से भी धर्म के लोग हो, कोई से भी कस्टम के लोगों, कोई सी भी लैंग्वेज बोलते हो, सबका जो नेशनल फ्लैग है वो एक ही है। तो डाइवर्सिटी में क्या हो गई, यूनिटी हो गई।
नेशनल फ्लैग के साथ में नेशनल एंथम है, सबके लिए इक्वल है, नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल एनिमल है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये सभी क्या है, डाइवर्सिटी है, बट उसमें भी एक यूनिटी को हमें शो करता है। ओके, ब्रिटिश थॉट दैट बिकॉज इंडियन वर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स दे कुड बी डिवाइडेड इजीली। जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या सोचते थे कि जो इंडियंस है यहाँ इतने सारे कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ओके, उनके कस्टम्स अलग अलग है, तो उनकी ये मेंटेलिटी थी कि जो इंडियंस है उनको इजीली क्या कर सकती है, काफी बैकवर्ड है, और इंडिया को इंडियंस को हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उनके लैंग्वेज है या रिलीजन है। जैसे उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम्स को भड़काया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो की, और 1905 के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, जो जो बंगाल था उसका डिवाइजेशन कर दिया, बाद में उन्होंने इंडिया के भी टू पार्ट्स कर दिए, भारत एंड पाकिस्तान। तो उनको ये लगता था कि अपने इंडिया में क्या है, हम इंडियंस को डिवाइड करके आपस में इनको फूट डाल के आसानी से राज कर सकते हैं। इंडियंस शॉट दैट डाइवर्सिटी वॉज नॉट ए वीकनेस, लेकिन इंडियंस ने क्या शो किया कि हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारे देश में जो विभिन्नताएं हैं, ये हमारी वीकनेस नहीं है, बल्कि ये तो क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, पावर है। ओके, बट ए सोर्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कि जो डाइवर्सिटी है ये हमारी वीकनेस नहीं है, ये तो हमारी पावर है, और हम सब क्या है, संगठित है, हम सब में एकता पाई जाती है, और ये जो डाइवर्सिटी है वो ही इंडिया को क्या बनाती है, डिफरेंट बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है। डिस्पाइट डिफरेंट कल्चर रिलीजन एंड रीजन बैकग्राउंड्स, इंडियन मैन एंड वुमेन केम टूगेदर इन लार्ज नंबर टू फाइट फॉर फ्रीडम, दे मार्च्ड एंड स्ट्रगल टूगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब देखो डिस्पाइट मीन्स तो इसके बावजूद, अब देखो इंडिया में इतने सारे डिफरेंसेज है, ब्रिटिशर्स को लगता भी था कि इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और हम कंटिन्यू शासन यहाँ पर कर सकते हैं, रूल कंटिन्यू रख सकते हैं, बट अपने यहाँ जो डिफरेंसेस थे उनको पावर बना गया, उसको स्ट्रेंथ बनेगी, और जब जो अपने स्ट्रगल हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, तो उसमें मैन हो या वुमेन हो, बच्चे हो, या फिर हिंदू मुस्लिम है, सिख है, तो इन सभी ने मिलकर स्ट्रगल किया, और उन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट की, यानी कि आजादी के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया, और दे मार्च एंड स्ट्रगल, उन्होंने कंटिन्यू मार्च, यानी कि मार्च का मतलब होता है, यहाँ पर मार्च का मतलब ये होगा कि ऐसे तो मार्च में क्या होता है, जो यात्रा करते हैं उसे मार्च बोलते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर मार्च का मतलब है उन्होंने कंटिन्यू स्ट्रगल जारी रखा। ओके, तो इस तरह से अपने देश में जो यूनिटी है तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा कि अपने यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बल्कि उसको एक मजबूती मिली फ्रीडम स्ट्रगल को। ओके, क्लियर है ये अपना फ्रीडम स्ट्रगल का। ओके, आ गया बच्चों ये समझ में, नेक्स्ट स्टार्ट करें। वैश्वीकरण, हिंदी में भी इसको लिख लीजिए वैश्वीकरण। नहीं, सेम कॉपी में कर लीजिए संजय पवार, क्लियर है, अभी आपकी जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, तो ज्योग्राफी अपनी कंप्लीट हो गई तो उसके नेक्स्ट से ही आप ये वर्क स्टार्ट कर देना। हिस्ट्री की आपने शायद अलग कॉपी बनाई होगी, उसको अलग रहने दो, और बाकी ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सिविक्स की सेम कॉपी हो जाएगी, उसी में आगे करते हो। ओके, तो आपको अलग से कॉपी नहीं बनानी। ओके संजय पवार, आपको मैम दिखाई देते हैं कभी कभी, पढ़ा मैं रहा हूं और कह रहे हैं ओके मैम। संजय पवार, तो आपको नेक्स्ट जो है इसी कॉपी में ये वर्क करना है, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, अब हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन, इसको हिंदी में लिखिए वैश्वीकरण।
ये तो सिंपल है, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष, और ये ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है वैश्वीकरण। अब देखिए इसमें वैश्वीकरण का मतलब, ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि पूरा जो ग्लोबल मीन्स क्या होता है वर्ल्ड, पूरा संसार है वर्ल्ड है उसे हम ग्लोबल भी कहते हैं। ओके, तो उसको एक यूनिटी में बांधना, एकीकरण कर देना, यानी कि वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज है, सभी जो कंट्रीज है वो किसी तरीके से, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या और किसी वे से, आपस में अगर वो कनेक्टेड है तो वो कंडीशन कहलाती है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, कि सभी कंट्रीज प्रेजेंट में क्या है वर्ल्ड की, लगभग ऑलमोस्ट एवरी कंट्री क्या है, वन अपॉन वन अनदर टू क्या है, कनेक्ट है, एक दूसरे पर कनेक्ट है, किसी न किसी तरीके से वो आपस में क्या है इंटरडिपेंडेंट भी है। ओके, तो ये जो सिचुएशन होती है कि सभी कंट्रीज आपस में एक दूसरे कनेक्ट रहती है तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ओके, अब देखिए उसी तरह इसमें क्या लिखा है, द 20th सेंचुरी हैज शोन अ ग्रेट डील ऑफ प्रोग्रेस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट। 20th सेंचुरी में क्या हुआ, जो काफी प्रोग्रेस हुई, कम्युनिकेशन की प्रोग्रेस हुई, न्यू टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस हुई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफी डेवलप हुआ, तो इससे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज, ऑल कंट्रीज जो है आपस में क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। तो पहले ये जो अदर कंट्रीज हैं या दूर दूर की जो कंट्रीज हैं उनसे डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई ट्रेड वगैरह नहीं था, बट न्यू टेक्नोलॉजी से सभी आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। दिस हैज मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू ओवरकम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड चेंज अवर लाइफ स्टाइल। और इसी वजह से अपनी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उससे भी हम आगे बढ़ गए और अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो काफी क्या हो गई, चेंज हो गई। स्टूडेंट्स हैं तो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आते हैं, अपने साथ में उनका कल्चर जो होता है वो ट्रांसफर होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो कस्टम्स है वो भी हम फॉलो करने लग जाते हैं, इसके अलावा जो बिजनेस है ट्रेड है वो भी काफी ज्यादा होने लग गया, टेक्नोलॉजी है वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाती है, व्हीकल्स वगैरह है, इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइसेस है जो हम यूज करते हैं वो भी डिफरेंट कंट्रीज से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते रहते हैं, इसके अलावा जो खाने पीने की जो हैबिट्स है, फूड हैबिट्स है, वो भी काफी चेंज हो गई। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है ना। आज हम घर बैठे बैठे मोबाइल से डिफरेंट कंट्रीज में से जो भी प्रोडक्ट है वो देख सकते हैं, हम उनको मंगवा भी सकते हैं, तो इस तरह से पूरी पूरा जो वर्ल्ड है एक परिवार की जैसे हो गया। ओके, एक फैमिली की जैसे हो गया कि हमें सबकी इंफॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहती है, उससे अपनी लाइफ स्टाइल क्या हो गई है, बहुत कुछ चेंज हो गई। ग्लोबल नेटवर्क हैज बीन फॉर्मड द लिंक्ड इकोनॉमिक इकोनॉमी सोसाइटी एंड कल्चर, इंफॉर्मेशन आइडियाज आर बीइंग स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपनी जो आइडियाज हैं, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, ये पूरे वर्ल्ड में क्या हो रही है, फैल रही है, दूसरे देश के अपनों को मिल रही है और अपनी अदर कंट्रीज को मिल रही है। ओके, तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये सब हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ओके, यस, चैप्टर तो अपना लगभग फिनिश है बट ये कुछ एग्जांपल्स है। ओके, तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पेज नंबर 208, चेक आउट पेज नंबर 208, पेज नंबर 208 निकालिए। देखिए कॉस्ट ऑफ इंडिया, इससे पहले भी अपने टू लाइन्स लगे, केरला की केस स्टडी है केरला। ओके, 207 में लास्ट में टू लाइन्स है, केरला इज ए नैरो कोस्टल स्टेट, आपको पता है कोस्टल जो रीजन है आप देख लेना मैप में, केरला आपको पता होगा नीचे है कोस्टल स्टेट, इट लाइज बिटवीन द अरेबियन एंड वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्ट। ओके, कोस्ट ऑफ इंडिया, तो अरेबियन सी और वेस्ट कोस्ट के बीच में आपको केरल दिख जाएगा। This state is known for its wide range of vegetation. और ये क्यों पहचाना जाता है, बिकॉज वहाँ की जो वेजिटेशन है काफी वेराइटीज की है, डिफरेंट टाइप्स की वहाँ पर हमें वेजिटेशन मिल जाती है। और जो आपने पढ़ भी रखा होगा कि एंशियंट टाइम में जो स्पाइसेज है, मसाले वगैरह है, वो केरल से ही अदर कंट्रीज में जाते हैं। प्रेजेंट में भी जो केरल है वहाँ पर सबसे ज्यादा स्पाइसेज, जो गर्म मसाले जो रहते हैं हम जो खाने में यूज करते हैं, वो काफी ज्यादा वहां पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड की सप्लाई होती है। ओके,
और ये काफी एंशियंट टाइम्स हो रहा है, काफी पुराने टाइम से ऐसा चल रहा है कि जो केरल के जो मसाले हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, फेमस है। अब देखिए राइस, कोकोनट एंड वैरायटी ऑफ स्पाइसेस ग्रो हियर, डिफरेंट टाइप्स की वहां पर मसाले उगाए जाते हैं, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है ना, और भी बहुत तरह के ये मसाले होते हैं, ये केरल में बहुत ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट स्पाइसेस लाइक क्लोव, ये देखिए क्लोव है, आप फाइंड कर लेना लौंग को, किस लौंग को बोलते हैं ना, पेपर है, कार्डमन है, मेड दिस स्टेट एंड अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर सिंस एंशियंट टाइम। तो यहाँ के ये जो गरम मसाले हैं ये काफी पुराने टाइम से ही जो फॉरेनर्स है, विदेशी जो भी हैं, ओके, अदर कंट्रीज में रहने वाले हैं, तो उन लोगों को काफी अट्रैक्ट करते हैं यहाँ के मसाले। जूश जूश एक जैसे क्रिश्चियन रहते हैं, फारसी रहते हैं, उसी तरह जूश भी रहते हैं, ओके। एंड अरब ट्रेडर्स रेगुलरली कैम डाउन टू केरला टू ट्रेड इन स्पाइसेस, तो वहां से लोग आते थे यहाँ, स्पाइसेस वो खरीदते थे, अपनी कंट्री में ले जाके सेल करते थे, अदर कंट्रीज में भी उनको सेल आउट करते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस कैश क्रॉप सच एज टी, कॉफी, रबड़ एंड टॉपिका आर आल्सो ग्रोन हियर। इसके अलावा यहाँ पर टी है, चाय, कॉफी, रबड़, टॉपिका, ये भी वहां पर उगाए जाते हैं। कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स होती है जो कि जिन इसीलिए ग्रो की जाती है क्योंकि उनका मेन पर्पज उनको सेल करना होता है, जैसे कि कॉटन है तो ये कैश क्रॉप है, ओके, शुगर कैन है, ये कैश क्रॉप है, तंबाकू है, कैश क्रॉप है, क्योंकि उनका मेन एम क्या रहता है, उनको सेल करना और उनसे पैसे प्राप्त करना, तो इस तरह की जो क्रॉप्स रहती है वो कहलाती है कैश क्रॉप्स। आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, दे अर्न ए गुड इनकम फॉर दिस स्टेट। फिशिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, इसके अलावा फिशिंग भी वहां पर काफी ज्यादा होती है, एंड इट सपोर्ट्स ए लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर आर कॉल्ड चीना वाला, और वहां पर जो फिशिंग होती है तो ये भी काफी जो पॉपुलेशन है वहां के उनके लिए एक जीविका का सहारा है, उनको वहां से वो फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं, उनको सेल आउट करते हैं और उससे उनको अर्निंग होती है, उससे वो अपना परिवार चलाते हैं, तो वहां पर फिशिंग नेट यूज करते हैं, तो उस फिशिंग नेट को वहां की लैंग्वेज में, ओके, वहां की लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं, चीना वाला, ओके, क्या बोलते हैं, चीना वाला। चीन रेफर्स टू चाइना, और जो चीन वर्ड है वो चाइना से लिया गया है, एज दे लुक सिमिलर टू वंस यूज्ड टू चाइनीज, इवन द फ्राइंग वेजेस इज कॉल्ड चीना चट्टी, ओके, ये मोस्ट नहीं है। केरला इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस, अब देखिए वहां पर जो केरल है वहां पर जो फॉरेनर है, विदेश है, ओके, उसका भी काफी इफेक्ट वहां पर देखने को मिलता है। व्हेन वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ दिस स्टेट वी कम टू नो दैट ज्यूज, यूरोपियंस एंड अरब्स कम हियर टू हैव ट्रेड रिलेशन। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं केरल की तो हमें उससे पता लगता है कि जो ज्यूज हैं, यूरोपियंस हैं, अरब के जो हैं, ओके, वो वहां पर आए थे इसके लिए, बिजनेस करने के लिए, कोस्टल प्लेस था, इस किनारे वाला था प्लेस, तो सी रूट से वो आते थे, वाटरवेज से वो आते थे, तो सबसे पहले कोस्टल रीजन्स में आएंगे, तो वहीं पर वो उनका मेन जो है वो सेंटर बना था और वहां से वो बिजनेस करते थे। Slowly they settled down and started spreading their teachings of their religions. अब धीरे धीरे वो बिजनेस करते करते वहां पर और भी बाद में आए और वहां पर क्या हो गया, सेटल डाउन हो गए और उनका जो कल्चर था, उनका जो रिलीजन था, वो उसको स्प्रेड करने लगे, फैलाने लगे और वहां पर वो क्या हो गए, सेटल हो गए, परमानेंट वो सेटल हो गए वहां पर। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस एडेड टू द एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ द स्टेट, एथनिक मीन्स होता है डिफरेंट, और इसी तरह टाइम बीतता गया और वहां पर क्या हो गया, डाइवर्सिटी जो है वो काफी हो गई, जो अलग अलग रिलीजियंस के लोग है, अलग अलग कंट्रीज के लोग है वहां पर रहने लगे, तो वहां का जो कल्चर था वो क्या हो गया, मिक्स हो गया, क्या हो गया, मिक्स हो गया। सेंट थॉमस ब्रॉट क्रिश्चियनिटी टू केरला, अंडरलाइन करना इसमें कि जो केरला में सबसे पहले जो ईसाई धर्म था उसको लाने वाले कौन थे, इसमें अंडरलाइन करना सेंट थॉमस। ओके, केरल में क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को स्थापित करने वाले कौन थे, सेंट थॉमस थे, ओके,
वास्को डा गामा पुर्तगाली सेलर आल्सो लैंडेड ऑन द केरला कोस्ट। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि जो वास्को डी गामा था उन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया था, सी रूट डिस्कवर किया था, तो वो भी सबसे पहले कालीकट में आए थे, यानी केरल के, केरल का जो पोर्ट है कालीकट वहां पर सबसे पहले आए थे। ओके, ही ओपन्ड द डोर टू स्पाइस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, और फिर उन्होंने वहां से बिजनेस शुरू करना शुरू किया था और स्पाइसेस वगैरह लेकर गए थे अदर कंट्रीज में, उन्होंने सेल आउट किया था, तो अदर कंट्रीज को पता लग गया कि इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप्स की अच्छी क्या मिलती है, स्पाइसेस मिलती है, तो अदर कंट्रीज के लोग भी वहां पर आने लगे और अपना ट्रेड करने लगे, बिजनेस करने लगे। सेंट थॉमस, नवनीत शर्मा, सेंट थॉमस लिखा है इन्होंने। ओके, तो एस और टी, तो टी स्मॉल आता है, ओके, एस टी थॉमस नहीं होगा, सेंट थॉमस में एस कैपिटल एंड टी स्मॉल आएगा, फिर डॉट भी आएगा। तो वास्को डी गामा भी केरल में ही आए थे, ही ओपन द डोर्स, इसके अलावा फिर उन्होंने वहां से बिजनेस करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इब्न बतूता जो कि मोरक्को का था, मोरक्को का एक ट्रेवलर था, वो भी इंडिया में आया था, ये मुस्लिम ट्रेवलर था, हैज आल्सो रिटन अबाउट मुस्लिम लिविंग इन केरला। ओके, तो उन्होंने कोई बुक लिखी, उसके अंदर मुस्लिम के बारे में लिखा था उन्होंने कि जो केरल है वहां पर मुस्लिम रहते हैं। नवनीत जो मैं आपको उसी में जान दो। ओके ओके यस, तो मोरक्को ने अपनी बुक लिखी, उसके अंदर मोरक्को नहीं, नहीं इब्न बतूता ने, और इब्न बतूता कहां से आया था, मोरक्को से आया था। अंडरलाइन करना, आप याद रखना है कि जो वास्को डी गामा था वो कहां का निवासी था, वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। ओके, और इब्न बतूता कहां का रहने वाला था, वो मोरक्को का रहने वाला। तो उन्होंने मुस्लिम्स के बारे में लिखा कि जो उसमें केरल में रहते थे, इट इज बिकॉज ऑल टाइम ऑल दीज इन्फ्लुएंस दैट पीपल ऑफ केरला प्रैक्टिस ए वैरायटी ऑफ रिलीजन। तो इससे हमें पता लगता है कि केरल के अंदर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते थे, उसमें हिंदू भी थे, जूस भी थे, पर्शियंस भी थे, यूरोपियंस भी थे, अरबियंस भी, पुर्तगालीज थे, एंड जो मोरक्को के लोग थे वो भी वहां पर थे। तो इस तरह से उनका जो कल्चर था वो क्या हो गया, मिक्सअप हो गया, डिफरेंट डाइवर्सिटीज उसमें मिलती है, डिफरेंसेस काफी देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रेजेंट में सभी क्या है, हम इंडियंस, जो भी केरल में रहते हैं वो भी जो नेटिव पीपल है, ओके, वो सब ऐसे बोलते हैं कि हम सब क्या है, इंडियंस है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अपना है लद्दाख। ओके, केरल वाले समझ में आ गया आपको, केरल का क्लियर है या कुछ पूछना है उसमें? नवनीत मनीष, श्रियांश, नवनीत शर्मा, संजय पवार, रितिका, चेतन, कुछ पूछना है आपको केरल के बारे में? ओके, क्लियर है। यस, लद्दाख कैपिटल क्या है लद्दाख की बताइए। Which is the capital of Ladakh? Ladakh की राजधानी, लद्दाख की कैपिटल बताइए, कोल्ड डेजर्ट छोड़ना। लेह, वेरी गुड मनीष नाथावर, लेह। तो लद्दाख की कैपिटल कौन सी है? लेह, LEH। ओके, देखते हैं अब इसमें क्या है डिटेल के अंदर। लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट, आपको पता है अपना जो थार डेजर्ट है राजस्थान में जो है कि जो अपना रेगिस्तान है वो हॉट डेजर्ट है। ओके, उसका नाम थार है, और जो कोल्ड डेजर्ट के लिए पूछे कि आपका कोल्ड डेजर्ट का नाम बताइए, तो आप उसमें क्या बोलेंगे कि लद्दाख। ओके, इट लाइज इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट में है जम्मू कश्मीर के, देर इज नो रेनफॉल, और वहां पर रेनफॉल नहीं होती, बस वो फ्रिजिड है,
इसलिए उसे हम ड्राई कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। ओके, सच डेजर्ट कंडीशंस डू नॉट अलाउ एग्रीकल्चर, रेनफॉल नहीं होती, ट्रीज है वहां पे, सब कुछ जमा हुआ है, आइस है वहां पर, एग्रीकल्चर भी वहां पर नहीं होती, वो ड्राई डेजर्ट है, ड्राई कोल्ड डेजर्ट है। तो फ्यू ट्रीज आर एबल टू ग्रो इन दिस कोल्ड डेजर्ट, इसलिए बहुत कम ही वहां पर ट्रीज उग पाते हैं, वेजिटेशन वहां पर नहीं हो पाती। ओनली समर सीजन के अंदर जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो कुछ वहां पर छोटे प्लांट्स वगैरह श्रब्स ये उग जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स वो उग जाते हैं। पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो वहां पर इतनी प्रॉब्लम है कि वहां पर ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिल पाता क्योंकि वहां पर आइस है, आइस जमी हुई है। समर में उनको लिक्विड में मिल जाता है बट बाकी सीजन में तो उनको अपने अकॉर्डिंग ही व्यवस्था करनी पड़ती है, या तो आइस को मेल्ट करना पड़ता होगा, गर्म करना पड़ता होगा और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम चलाते हैं। द लाइफ ऑफ पीपल इज डिफिकल्ट, वहाँ की जो लाइफ है वहाँ के लोगों की काफी डिफिकल्ट है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है वहाँ पर, एक तो वेजिटेशन नहीं है और दूसरी वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता बिकॉज वहाँ पर क्या है वो फ्रिजिड कंडीशन में है। वीट एंड बार्ले आर द मेन क्रॉप ग्रोन हियर, कुछ पार्ट से वहां पर ये वीट वगैरह हो जाती है, ओके, वो भी उस अमाउंट में या उस रेशो में नहीं हो पाती जितने की अदर पार्ट्स में होती है। एप्रिकॉट आर आल्सो ग्रोन एंड एक्सपोर्टेड, वहां पर एप्रिकॉट है, ये ऐसी चीजें वहां पर ड्राई फ्रूट्स ग्रो हो सकते हैं, वहां पर होते भी हैं। पीपल मेनली डिपेंड ऑन शीप गोट काउ एंड या, ओके, रियरिंग, वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा किस पर डिपेंड है, शीप पर है, भेड़ गाय बकरी याक है, इनको चराते हैं और इनसे उनको दूध वगैरह मिलता है, ऊन मिलती है, मिल्क मिलता है, ओके, ये उस पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, फिर उसको सेल आउट कर देते हैं। द शीप इन द रीजन आर स्पेशल, वहां की जो शीप रहती है भेड़ रहती है क्योंकि कोल्ड रीजन है, मीन्स वहां पर जो भी एनिमल्स पाए जाएंगे अधिकतर के क्या होगा, उनके फर ज्यादा होंगे, उनके फैट होगा बॉडी के अंदर, तो वहां की जो शिप रहती है वो अपनी यहाँ की शिप से बिल्कुल डिफरेंट रहती है, ओके, उनकी जो शिप रहती है उनके स्किन के ऊपर बड़े बड़े बाल मिलते हैं, फर मिलते हैं जो कि वूल में काम आते हैं और उनसे ऊन बनती है। शिप इन द आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पेशीमाना वूल, अंडरलाइन करना इसमें, वहां की जो शिप है, लद्दाख की जो शिप है जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं उससे पेशीमाना वूल बनती है जो कि काफी कॉस्टली होती है। नॉर्मल वैसी वूल जो है अपने यहाँ पर मिलती भी नहीं है, तो कहीं मिलती होगी तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, ओके, क्योंकि वो नेचुरली है, सिंथेटिक नहीं होती, वो नेचुरली होती है। पश्चिमाना वूल काफी महंगी होती है, उसके जो भी आइटम्स मिलेंगे, जो भी कपड़े शॉल मिलेगी वो सभी काफी एक्सपेंसिव होगी, काफी महंगी होती है। पश्चिमाना शॉल्स आर मेड फ्रॉम इट, और उस शिप के बालों से पश्चिमाना शॉल बनती है। The wool from the ship is collected by the people and sold to Kashmir traders. तो वहाँ जो भेड़े पाली जाते हो तो उनकी जो शिप रहती है उनसे ये ऊन निकाली जाती है और जो कश्मीर के ट्रेडर्स हैं उन सेल आउट की जाती है। हाँ चेतर, तो उनको सेल आउट की जाती है और उससे जो डिफरेंट टाइप के जो शॉल है या स्वेटर है, कैप है, ये बनाए जाते हैं। द लद्दाख रीजन हैज मेनी पासेस थ्रू विच कारवास ट्रेवल टू तिब्बत। आप देखिए वहां पर काफी ज्यादा क्या है, वैलीज है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अब देखो इसमें क्या है, द लद्दाख रीजन हैज मेनी पासेस, तो पासेज में क्या हो गया, जो माउंटेन रीजन होता है उसकी जो वैलीज होती है, ओके, इसमें तो ये जो पार्ट रहता है, ओके, इस तरह का जो पार्ट रहता है कि जो माउंटेन से उसका नीचे वाला जो पार्ट है, क्योंकि जो ट्रेवलर्स आएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना, चेतन ये माउंटेन है, अगर आपको आना है तो इसके ऊपर चढ़कर आओगे, इसमें से आओगे, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि उस पर माउंटेन पर चढ़े और फिर नीचे आए, और जो इंटेलिजेंट होंगे वो तो यहीं से आ जाएंगे, ओके, समझने की जरूरत नहीं। तो मोस्टली यहाँ से ही लोग क्या होते हैं, तिब्बत से आते जाते हैं, तो ये जो जगह है जो कि ऐसे एक तरीके से रास्ता बन जाता है, पाथ बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पासेज, ओके।
तो उसी में से तिब्बत से आते हैं, जाते हैं, अपना जो सामान है गुड्स है वो लाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं। तो इस तरह से ट्रेड वहां पर डेवलप हो जाता है, उसे हम बोलते हैं पासे। और कारवा मीन्स होता है कि अपने एनिमल्स के साथ में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बहुत सारे एनिमल्स अपने जो गुड्स हैं वो सेल करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं या दूसरी जगह आते हैं, और अपने साथ में एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारा उनका सामान रहता है उनके ऊपर, है ना, तो उससे हम बोलते हैं कारवा। दीज कारवा कैरी स्पाइसेस रॉ सिल्क एंड कारपेट्स, तो ये सामान वो लाते हैं, ले जाते हैं, सेल आउट करते हैं। द कल्चर ऑफ लद्दाख इज ए मिक्स ऑफ बोथ एज वेल एज तिब्बतियन ट्रेडिशन, तो लद्दाख का जो कल्चर है वो मिक्सअप है क्योंकि तिब्बत से उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, बहुत सारे लोग तिब्बत के वहां पर आते हैं, वहां से वहां पर जाते हैं, तो इस तरह से उनका कल्चर क्या हो गया है, मिक्सअप हो गया है। तिब्बतियन इन्फ्लुएंस इज इन फूड म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर, ओके, तो वहां पर जो तिब्बत है तो इनके अकॉर्डिंग वहां का कल्चर चेंज होता जा रहा है तिब्बतियन के अकॉर्डिंग, तो वहां पर उसी तरह के खाने मिल जाते हैं, म्यूजिक मिल जाता है, आर्किटेक्चर है वो भी तिब्बत जैसा ही वहां पर मिलता है, इसीलिए इस पार्ट को लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, बिकॉज उसका काफी ज्यादा तिब्बत का काफी ज्यादा जो इफेक्ट है वो लद्दाख में देखने को मिलता है, ओके, तो वहाँ का कल्चर भी लगभग वैसा हो गया जैसा कि तिब्बत का है, इसलिए इसीलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, ओके, लिटिल तिब्बत इज अनदर नेम फॉर लद्दाख, अंडरलाइन कीजिए इसमें, लिटिल तिब्बत किसे कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए वहां पर मोस्ट रिलीजन कौन सा है, बुद्धिज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द स्टेट, वहां बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, इट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट बुद्धिज्म रीच द तिब्बत वाय लद्दाख, और ये जो बौद्ध धर्म है ये तिब्बत से ही आया, ओके, तिब्बत में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, चाइना में भी काफी लोग हैं, तो वहां और इसके अलावा श्रीलंका में भी काफी हैं, तो तिब्बत से बौद्ध धर्म कहाँ पर आ गया, लद्दाख में आ गया, तो वहां बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाय लद्दाख, इट हैज ए नंबर ऑफ कॉम्पास और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, कॉम्पास मीन्स क्या हो गया, जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है, बौद्ध धर्म के जो संत है, जिसको बौद्ध भिक्षु है, तो उनको उनके रहने की जो जगह है जहाँ पर मोस्टली रहते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्रीज बोलते हैं, तो ये काफी ज्यादा वहां पर मिलती है। लद्दाख हैज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, और वहां पर ओरल ट्रेडिशंस काफी ज्यादा हैं कि वहां पर ये जो बौद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह हैं, तो इनके जो भी जो कस्टम्स है वो उनको गीत और संगीत के माध्यम से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वहां पर जो है जो ओरल ट्रेडिशंस काफी ज्यादा है, उनका जो भी कल्चर है, जो भी हिस्ट्री है, वो केवल ओरली एक दूसरे को सुनाते हैं और बताते हैं। दैट तिब्बतियन नेशनल एपिक केसर सागा, वहां की एक नेशनल एपिक है, महाकाव्य है, जैसे अपने महाभारत है, रामायण है, उसी तरह वहां का भी एक एपिक है, उसका नाम है द केसर सागा, ये क्या है, ये तिब्बतियन नेशनल एपिक है, इज परफॉर्म्ड एंड सॉन्ग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिज्म, तो वहां के जो मुस्लिम्स हैं, बुद्धिज्म है, ये सभी लोग ये जो एपिक है केसर सागा इसके बारे में बताते हैं, इसके जो सॉन्ग्स हैं उनको बताते हैं, दूसरे लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज देते हैं, उनको इसके बारे में क्या करते हैं, बताते हैं, ओके, क्लियर है आपको ये लद्दाख का, तो अपना केरल एंड लद्दाख दोनों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लास्ट पॉइंट बहुत छोटा सा है, रिजल्ट ऑफ डाइवर्सिटी, अब देखो अपने इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटीज दिखाई मिलती है, हर तरह की डाइवर्सिटीज है, यहाँ पर रिलीजियंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिफरेंट रिलीजियंस यहाँ पर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध यहूदी है, फारसी है ना, जूस है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप के लोग अपने यहाँ पर रहते हैं, उनके कस्टम्स अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनके खाने पीने की आदतें भी क्या है अलग है, सबके अपने अपने फूड है, अपनी पसंद के फूड है, और
उनका जो वर्क है या काम करने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट हो सकता है, वो अपना जो काम धंधा करते हैं वो भी जिस क्लाइमेट में जिस रीजन में वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका काम धंधा या जो भी है उनका जो रोजगार है वो सेट है। कहीं पर फिशिंग होती है तो कहीं पर जो शिप रियरिंग होती है, तो इस तरह से डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा अपने यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसमें भी काफी डिफरेंसेस देखने को मिलती है। तो अपने इंडिया में क्या है इतनी सारी डाइवर्सिटी है, और तो उसका रिजल्ट देखिए डाइवर्सिटी इन इंडिया हैज गिवन अस ए रिच टेस्ट ऑफ लाइफ। अब इतनी डाइवर्सिटीज अपने यहाँ पर दिखाई देती हैं, अपना जो इंडिया है वो काफी ब्यूटीफुल हो गया है कि इतने सारे जैसे किसी एक गार्डन के अंदर फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के तो काफी ब्यूटीफुल दिखाई देता है, उसी तरह अपनी कंट्री के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज हैं कि अपना इंडिया क्या है वर्ल्ड के बिल्कुल एक अलग कंट्री में ये देखा जाता है कि और ये काफी ब्यूटीफुल है। ओवर लैंग्वेज मॉन्यूमेंट्स ड्रेसेस एंड वे ऑफ लाइफ क्लियरली शो ए मिक्सचर ऑफ इन्फ्लुएंस। और अपनी जो लाइफ है मॉन्यूमेंट्स है लैंग्वेज है ड्रेसेज है ये सभी चीजें क्या हो गई है मिक्सअप हो गई है और इसका इफेक्ट अपने नॉर्मल लाइफ में भी अपनों को देखने को मिलता है। ओके तो इस तरह से अपने लेसन कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया है अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं, 2 मिनट्स बाकी है आपके, कुछ पूछना है आपको, एनी क्वेश्चन? नहीं पूछना, ओके वेरी गुड। एक्सरसाइज में बता दूंगा, सेंड कर दूंगा। ओके okay?